Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum viewers, welcome to my channel Evolution of Computer. Today is my topic Ehsaas Scholarship Program for Undergraduate Student 2021. जी बिल्कुल, एहसास स्कॉलरशिप ने प्रोग्राम लॉन्च किया है जो कि 2020 और 2019 में भी चला था और 2021 में भी है, कि इसके तहत अंडर ग्रेजुएट जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए स्कॉलरशिप आई है, एप्लीकेशन है एहसास प्रोग्राम की, जिसमें आप एहसास पोर्टल में आप अप्लाई कर सकते हैं और उसकी जो स्टार्टिंग डेट है रजिस्ट्रेशन वो 1 जनवरी से है और इसकी लास्ट डेट अक्टूबर 30 है 2021. ये लास्ट ईयर भी प्रोग्राम चला था और बहुत से बच्चों ने इसमें 4.87 बिलियन जो है रुपीज़ है जो इसमें वर्थ किया गया है स्कॉलरशिप ने, और 50,000 स्टूडेंट्स जो थे लास्ट ईयर उनको 2019 और 2020 के तहत उन्होंने ये वो इसमें सेलेक्ट हुए थे और 1,32,000 स्टूडेंट वो थे जिन्होंने इसमें अप्लाई किया. तो स्टूडेंट ये बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जो लोग मतलब नॉर्मल फैमिली से हैं जो उनकी अंडर ग्रेजुएट में हैं वो अप्लाई करना चाहते हैं, फैमिली इनकम का कोई इशू है, तो ये बहुत अच्छी स्कॉलरशिप है. आप इसमें अप्लाई करते ईजीली आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम के. और उसके अलावा सबसे अच्छी बात यह है कि ये 4,000 आपको स्टेपन्स पर मंथ दे रहे हैं, कि आपके पर मंथ के लिए अगर आपकी कोई ज़रूरत है तो उसको भी पूरा किया जाए, और ये बहुत अच्छी स्कॉलरशिप. ओके, और ये जो स्कॉलरशिप है ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान लॉन्च कर रही है, उसके अलावा कोई भी मतलब कोई और कम्युनिटी नहीं है जो लॉन्च कर रही है, ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से ये स्कॉलरशिप है और ये 2019 और 2020 में भी चली थी और इसमें तकरीबन 2 लाख से ज़्यादा 20 लाख से ज़्यादा जो स्कॉलरशिप थे ये अवार्डेड की गई थी, और इसमें 50% जो कोटा है वो फीमेल का है. फीमेल स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि 50% जो कोटा है वो फीमेल के लिए रिजर्व किया गया, और इसमें आपकी ट्यूशन फ़ी और आपको स्टेपन्स भी मिलता है. ओके, उसके मेन फीचर क्या है स्कीम के, मेन फीचर ये है कि आपको 50,000 जो आपकी स्कॉलरशिप है पर अनम के लिहाज से, मतलब आपके सेमेस्टर के लिहाज से आपको 50,000 मिलेगा, और जो 20 लाख स्टूडेंट्स हैं वो अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट के उनका 4th ईयर अंडर ग्रेजुएट 4 ईयर प्रोग्राम्स आपका होना चाहिए, मींस बीएस बैचलर आपका होना चाहिए. 50% जो सीट है वो गर्ल्स के लिए रिजर्व है, फीमेल के लिए फुल आपको ट्यूशन फ़ी मिलेगी, उसके अलावा 4,000 आपका मंथली स्टेपन्स होगा, और स्पेशल और डिसेबल पर्सन के लिए जो स्टूडेंट हैं वो भी इस एरिया में आते हैं. ओके, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एलिजिबिलिटी सबसे पहले क्राइटेरिया ये है कि ये एक मदद का काम है, और इसमें बहुत से लोग मैंने देखे हुए हैं कि वो अप्लाई कर रहे होते हैं जो अच्छी खासी मिलों के मालिक हो, ये बहुत बुरी बात है. ये उनके लिए है जो लो फैमिली इनकम से बिलोंग करते हैं, वो ज़रूर अप्लाई करें, वो अपनी स्टडी को अगर कंटिन्यू करना चाहते हैं तो ये उनके लिए. सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि आपकी फैमिली की जो इनकम है वो नॉर्मल होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, आप नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करती हों. दूसरी उसमें यह है कि जो आपने पब्लिक सेक्टर है, यूनिवर्सिटी है, वो आपकी अंडर ग्रेजुएट के मतलब HEC से लिंक हो, वहाँ पर आप पढ़ रहे हों, ठीक है. और उसके बाद जो है आपका एडमिशन जो है बेसिकली उसका आपका उस पब्लिक सेक्टर में हो, और वो स्टूडेंट जो कि सेल्फ में अब जिन्होंने सेल्फ पे मतलब एडमिशन लिया है वो बिल्कुल भी अप्लाई नहीं कर सकते, उनके लिए ये एलिजिबिलिटी नहीं है, ठीक है, नॉट एलिजिबल. और उसके अलावा वो स्टूडेंट्स जो कि सेल्फ पे हैं या उन्होंने इस तरह अप्लाई किया हुआ तो वो बिल्कुल भी अप्लाई नहीं कर सकते, और वो स्टूडेंट जिनका रेगुलर बेसिस पे चल रहा है वो ही अप्लाई कर सकते हैं, जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं रेगुलर बेसिस पे उनको चल रहे हैं उनका एडमिशन है वो अप्लाई कर सकते हैं. ओके, नेक्स्ट है आपने कैसे अप्लाई करना है 2021 में ये इनकी एलिजिबिलिटी कंडीशन अगर आपकी फुलफ़िल है तो ये इनका ऑनलाइन पोर्टल है, इसका लिंक मैं अपनी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहाँ से देख सकते हैं कि ehsaas.hec.gov.pk ये HEC की तरफ से है. जैसे HEC की पहले भी स्कॉलरशिप आती थी लेकिन वही स्कॉलरशिप है, वो HEC एहसास स्कॉलरशिप है, ठीक है. HEC के पोर्टल पर आप जाएंगे, वहाँ से अब आपने ऑनलाइन लॉग इन वहाँ पे अपना पोर्टल फिल करना है वहीं से, और आपने कहीं भी डॉक्यूमेंट्स जो हैं आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपने कंप्लीट करके सबमिट कराने हैं अपनी यूनिवर्सिटी के ऑफिस फाइल में, वो आप अपने डिपार्टमेंट से पूछ सकते हैं कि कहाँ पे सबमिट होने हैं, और आपने कहीं भी HEC के ऑफिस में जाकर नहीं सबमिट कराने. ओके, ये जो पोर्टल है ये 5 सितंबर से मतलब ये ओपन है,
2020 के, और ये 2021 में भी ये अक्टूबर 30 तक है, और ये लास्ट ईयर में भी 30 अक्टूबर तक 2020 तक था। और ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी और बहुत अच्छी स्कॉलरशिप है अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट के लिए, क्योंकि बैचलर लेवल पे बहुत से स्टूडेंट अप्लाई करते हैं, और बहुत वो स्टूडेंट जो नॉर्मल फैमिली से बिलोंग रखते हैं उनके लिए तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सकते हैं स्कॉलरशिप के तहत। अगर आप फीमेल हैं तो आपका तो 50% कोटा है, और अगर आप मेल हैं तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी, आप ज़रूर अप्लाई करें। इसमें जस्ट आपका टेस्ट सबमिट होने, पेपर सबमिट होने का आपका जस्ट इंटरव्यू लिया जाता है, उसमें पूछा जाता है कि आपकी डिटेल, और ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप ज़रूर इसमें अप्लाई करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड मस्ट लाइक माई दिस वीडियो। ओके, अल्लाह हाफिज़।